ओम हरि ओम। विश्वानि देव सवितर दुरुतान पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ हिरण गर्भासन वर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रे त्यासीत सदाधार पृथ्वी तु ध्यायते माये तस्मै देवाय हविषाभिधेयम् वसुदेव सुतम देवम् कंसचारूढ़ मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं लोकाभिरामं रणरंगधीरं भगवान की बोलिए बजरंग बली की। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग देवी सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पदचिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं बहनें देवियां प्यारे प्यारे भैया लोग विजय भक्ति स्टूडियो लखनऊ के द्वारा आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं ग्राम सिपहिया हंसुआ पारा बाराबंकी से। देखो अब कथा जो कुछ सोना था हो ही गई। 5 दिन आज हो रहे हैं और 5 दिनों में अनेकानेक कथाओं को आप लोगों ने श्रवण किया भैया लोगों ने माताओं बहनों ने। अब कथा क्या है थोड़ा चलते चलते हमें कथा क्या है कथा हमारी आपकी है कथा हमारी आपकी नहीं। देखो कथा किससे बनती है कथा बनी है व्यथा से और व्यथा क्या है दुख। व्यथा क्या है दुख। अभी बहुत बड़ा सुख होए अब अचानक बहुत बड़ा दुख पहाड़ टूट पड़े कथा तैयार का कथा बन देर लागत। रामायण को उठाए लो रामायण में भी दुख से कथा बनी। रामायण का पहला पन्ना पलटो रामायण का पहला पन्ना पलटो
राजा दशरथ बूढ़े हो गए, 60 वर्ष की औलाद यानी 60 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान औलाद नहीं हुई। जेके कोई लड़का बच्चा न होए, 60-70 वर्ष हो ही जाए, उनसे कहो कथा सुनो, कथा सुनी कोई अपन व्यथा बताएंगी, कथा सुनी हाँ? दुख अगर दुख ना होता तो आज ये कथा न तैयार होती। जैसे तैसे गुरु की कृपा से 4 पुत्र हुए महाराज दशरथ के, और थोड़े ही समय में दोनों राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए। जिसका जवान बड़ा बेटा हो और लड़का बहुरिया साथ, हम दो ही लड़का जंगल को चले जाएं 14 वर्ष के लिए, यह कथा है, ये व्यथा है। अगर इतना बड़ा दुख न होता तो आज कोई राम की कथा न तैयार होती। भागवत का पन्ना पलट के देख लो, कन्हैया जी का, ये तो राम की कथा। कन्हैया जी ने कहां जन्म लिया सब लोग जानते हो, माताएं बहने भैया लोग। भगवान कृष्ण ने कहां जन्म लिया, कहां पैदा भए, जेल में, मथुरा की जेल में। अब जरा सोचो, एक वयस्क लड़का होए, जो लड़का जेल में पैदा होए, उस सुखमा हो या दुखमा हो, जरा सोचो, जो लड़का जेल में पैदा हो कितनी मुसीबतों में वो पैदा हुआ होगा और कैसे रहा होगा। ये कथा व्यथा न होती आज ये कथा कन्हैया जी की न बनी होती। फिर जैसे तैसे जन्म हुआ, मथुरा से गोकुल गए, मामा कंस पीछे पड़ गया, मामा पीछे पड़ गया, तुरंत एक भांजा पैदा हुआ और पीछे से पूतना, अघासुर, बकासुर, कितने राक्षस भेजने लगा। 11 वर्षों तक मेरे भगवान कन्हैया ने घोर संग्राम किया, उन अत्याचारियों से निपटे। अब यह कथा है, 11 साल का लड़का होए, 11 वर्ष हो ही जाए, मामा भांजे के पीछे पड़ जाए, तो आजकल तुरंत 300 दी हुई जी, मामा बहने हुई जी ना हुई जी, कितना बड़ा दुख उठाया मेरे भगवान कन्हैया ने। तो कथा बनी है व्यथा से, दुख से। अगर हमारे आपके ऊपर दुख न होता, अगर दुख न पड़े, जिंदगी भर सुख ही सुख रहे, तो परमात्मा को कोई याद ही नहीं करेगा, कौन याद करने वाला है। अगर दुख न पड़े, ज्यादा विकट दुख पड़ जाए, हाय भगवान ये तुम कहा के हो, हाय भगवान, हर आदमी भगवान पर तुरंत असुमन करने लगता है। अब अगर सुख है तो अरे दुनिया की बतकाव कर लेंगे, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेंगे। आओ देखो, मनुष्य का शरीर पाए हो एकदम, इसको परमात्मा के सारे काम करते हुए कुछ भी करो, लेकिन भगवान को न भूलो, बस यही एक संदेश देना है। एक भजन सुने कबीर साहब का, एक ननद जो है, एक भौजाई जो है, अपनी ननद से कह रही कि ननद तुम्हारे तो पति बड़े सुंदर, तुम्हारे पति बड़े सुंदर, लेकिन हमरे तो पूरे गुनगुना है। हाँ? क्या कह रही, अरे मिले हैं घुनघुनुआ, अरे मिले हैं घुनघुनुआ, ननदी बालम मिले हैं बालम मिले हैं दोनों।
पठौनी ससुर मोरे आए, पहली पठौनी ससुर मोरे आए, 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 करी गे ठौर ठिकनवा, करी गे ठौर ठिकनवा, ननदी बाल मिले ससुर कौन है? ये बुढ़ापा है। ससुर अदब किससे किया? जो बूढ़े बुजुर्ग हो, बुढ़वा लोग हैं, जवानी पर कुछ नहीं, और जैसे बुढ़ापा आया तो ठिकाने लग गए एकदम। करी गे ठौर ठिकनवा, ननदी बाल मिले पठौनी जेठ मोरे आए, दूसरी पठौनी जेठ मोरे आए, दूसरी पठौनी जेठ मोरे आए। अच्छा भला चेहरा हो, जब बुढ़ापे को आ जाता है कहीं ज्यादा गंदगी लग जाए तो सबसे छिपक पड़ है, छिप छिप के काम होता है। दूसरी पठौनी जेठ मोरे आए, जेठ मोरे आए, जेठ जेठ मोरे आए, जेठ मोरे आए, करी भई उनसे बहनवा, करी भई उनसे बहनवा, ननदी बाल तीसरी पठौनी देवर मोरे आए, तीसरी पठौनी देवर मोरे आए, देवर मोरे आए, देवर चली आए, देवर मोरे आए, देवर चली आए। रोई रोई पहनब गहनवा, देवर कौन है यमराज के गढ़, उनसे बहाना करो चल पाइए, जाना तो जाना। रोई रोई पहना मैं गहनवा, ननदी बालम चौथी पठौनी बलम मोरे आए, चौथी पठौनी बलम मोरे आए, बलम मोरे आए वही अपना आए, बलम मोरे आए वही अपना आए। अब सेजिया पे करीब मिलनवा, कौन सी सेज? चिता रूपी सेज, आखिरी मिलन होता हर आदमी का जब जलाया जाता है, चिता रूपी सेज है। सेजिया पे करीब मिलनवा, ननदी बालम मिले हैं।
से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। ये तो रहा पद, अब आओ थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जब तक भैया हम हैं तब तक ना तो आपको शांत बैठने देंगे और ना सोने देंगे। कोई कोई लोगों ने हम पहाड़े हैं का तो का बताए, सोने नहीं देते हैं। इतनी ठंडक में सबको बिठाए बढ़िया आराम से, ठीक है अभी जाना कोई दिक्कत नहीं है। अब कल से ना तो हम कहने आएंगे और ना आप ही लोग आओगे। हाँ समय आएगा तब आएंगे, लेकिन हम नहीं आएंगे आप लोगों के यहाँ। कल से नहीं कहेंगे कि भैया तुम राम राम सीता राम बोलो, जब कभी समय आएगा तभी मौका मिलेगा, बाकी नहीं। तो कथा जो कुछ सोना था हो चुकी है, अब आओ थोड़ी सी चर्चा और सुनी जाए, जिसके लायक भैया लोगों ने, भैया अजय कुमार और गुड्डू भैया वर्मा जी ने हमें बुलाया है, तो थोड़ा कल्याण की बात हो जाए। कल्याण एक का नहीं सबका होना चाहिए। गांव घर में ये न सोचो कि खाली हमरे कल्याण हो, कथा किसी एक का कल्याण नहीं करती। जितने लोग कथा सुनने आते हो, दीन दुखी गरीब अमीर, ये कथा सभी का कल्याण करती है। संजीवनी बूटी है भैया। कलिकाल में तुलसी बाबा ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। एक कलिकाल में केवल नाम का ही महत्व है। केवल राम का नाम गाओ, राम का नाम स्मरण करो, भूलो ना, बस आपकी गाड़ी नवैया पार हो जाएगी और कुछ नहीं। रामायण को आपने पढ़ा, रामायण में आपने पढ़ा राजा दशरथ के कितनी रानियां थी। तीन पट रानियों का नाम आया है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन शास्त्रों में कितनी रानियां हैं? सात सौ साठ रानियों का वर्णन आया है, लेकिन तीन पट रानियां हैं। चार पुत्र हैं महाराज दशरथ के। एक बात और ध्यान देना है भैया, अगर हम भगवान की जरा सी भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारी आपकी रक्षा कैसे करता है? अगर जरा सी भक्ति करते हो भगवान की, तो भगवान हमारी और आपकी रक्षा कैसे करता है? स्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि करई सदा तिनकी रखवारी, करई सदा तिनकी रखवारी, जिमी पालक राखई महतारी, करई सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखी महतारी, करई सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखी महतारी। भगवान हमारी आपकी रक्षा कैसे करता है? स्वामी जी लिखते हैं, करे ही सदा तिनकी रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। भगवान कैसे हमारी आपकी रक्षा करते हैं? जैसे छोटा सा बच्चा है, भूखा है, प्यासा है, रो रहा है, तड़प रहा है, मैया कैसे ध्यान देती कि मेरे बच्चे को कहीं बुखार तो नहीं, आज भोजन क्यों कर रहा है, मेरे बच्चे को कोई और चीज तो नहीं कोई बन रही जो आज ये दूध नहीं पी रहा है। मैया छोटे से बच्चे का जैसे ध्यान करती है, उसी प्रकार से आप चाहे जहां हो, देश विदेश चाहे जहां हो, अगर भगवान की जरा सी भक्ति करते हो तो परमात्मा आपकी रक्षा कैसे करता है? जैसे छोटे से बच्चे की देखरेख मां करती है। और किया है भगवान ने, जो भगवान के सहारे रहा है भगवान ने उसकी रक्षा किया है।
कैसे किया है? प्रसंग आज थोड़ा महाभारत से ले रहा हूं, महाभारत से प्रसंग है। महाभारत से प्रसंग लेना है। जिस समय भगवान कन्हैया शिशुपाल के ऊपर 17 बार चढ़ाई किया, एक नहीं 17 बार, लेकिन बराबर हारते रहे। मैंने बोला था जीत प्यारी होती है, हार प्यारी होती है। हार जब आदमी हारता है तो आगे बढ़ता है, और जब वो जीतता है तो नीचे गिरता है। हार प्यारी होती है मेरे बंधु। 17 बार भगवान कन्हैया हारे, लेकिन कर्म करो फल की इच्छा न करो। 18वीं बार फिर चढ़ाई किया, बराबर लड़ाई लड़ते रहे। इस बार शिशुपाल को मार गिराया भगवान कन्हैया ने, शिशुपाल को मार गिराया। जब शिशुपाल का वध कर दिया भगवान कन्हैया ने, तो युद्ध करते समय कहीं उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र लग गया। सुदर्शन चक्र लग गया उंगली में, छंगनिया में खून की धारा बहने लगी। मेरे बंधु खून की धारा बहने लगी। जब खून की धारा बहने लगी तो घर वापस आए द्वारिकापुरी को। 16108 रानियां हैं, सभी सब हाय हाय कह रही हैं, रो रही हैं। दवा द्रमण करने वाला कोई नहीं। भैया जिसके 16108 रानी होए, अब उसके आदमी को कुछ हो ही जाए तो एक एक टेबलेट अगर लावे तो ज्यादा नहीं कुंटल खंड दवाई इकट्ठा हुई जी। सभी हाय हाय कह रही, उपाय करने वाला कोई नहीं। उसी समय अर्जुन के संग में द्रौपदी आई भगवान कन्हैया की मुलाकात करने। हम आपके घर पर आपकी मुलाकात करने जाएं, आपके चोट चपेट लगी हो, खून की धारा बह रही हो, तो मुलाकात वो भाव को भाव हो जाती है। द्रौपदी और अर्जुन आए हैं मुलाकात करने। भगवान कन्हैया से खून की धारा टपक रही है, उंगली से खून बह रहा है, बहुत परेशान है भगवान। 16000 रानियां कुछ नहीं कर रही, द्रौपदी से रहा न गया। किसी किसी की आत्मा जो है बहुत जल्दी पिघल जाती, किसी के दुख को देखकर दूसरे की आत्मा बहुत जल्दी पिघल जाती है, और कोई कोई चाहे कुछ हो सब देखा कर कोई बात नहीं, पश्चाताप करना चाहिए। द्रौपदी से देखा न गया। कश्मीर की सुंदर 11000 की साड़ी पहने थी, आजकल मार्केट में 50-50 हजार तक साड़ियां मौजूद हैं। आज के जमाने में, इस दुनिया के जमाने में 50000 तक साड़ी एक है मौजूद है। तो द्रौपदी 11000 की कश्मीर की सुंदर साड़ी पहने थी, और कपड़ा लगता सब कश्मीरे बढ़िया हो, कश्मीर के वस्त्र कश्मीरी शाल, और कश्मीर के आदमी कश्मीर की नारियां जितना सुंदर है दुनिया में स्वर्ग है तो कहां है वो कश्मीर है। दुनिया में स्वर्ग है तो कश्मीर है। कश्मीरी शाल बड़ी सुंदर भैया, कश्मीर की 11000 की साड़ी पहने थी द्रौपदी, किसी को कुछ करते न देखा तो साड़ी को पकड़ा और साड़ी की एक किनारा फाड़ दिया, 4 इंच की पट्टी, 4 इंच की पट्टी फाड़ा और पट्टी फाड़ करके कन्हैया के हाथ में बांध दिया। तो पट्टी बांधी कृष्ण के दीना, पट्टी बांधी
कृष्ण तब ही रानी पट्टी फाड़ करके द्रौपदी ने भगवान कन्हैया के हाथ में वो पट्टी बांध दिया। और जब आपके चोट चपेट लगी हो, कोई दवा दुर्गुट न करो, खाली कपड़ा फाड़ के बांध दो तो खून का बहना भी कम हो जाएगा और हल्की फुल्की दर्द कम हो जी। जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ डाली, अपनी आन बान नहीं देखा, अपनी ठाट बाट नहीं देखा, साड़ी की 4 इंच की पट्टी फाड़ करके कन्हैया के हाथ में बांध दिया। 16,108 रानियों के बीच में भगवान कन्हैया ने रिश्ता बनाया। देखो, रिश्तेदारी बनाई नहीं जाती, रुपये पैसे से रिश्ते नहीं बनते, ये भी समझ लो। रुपये पैसे से रिश्ते नहीं बनते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, बनाए नहीं जाते, ये भी समझ लो। स्नेह और प्रेम का जो रिश्ता होता है वो बहुत दिन तक चलता रहता है, और जो खरीद फरोख्त का रिश्ता है, स्वार्थिक रिश्ता है, तो कुछ दिन चले उसके बाद ठप। और एक बात और सुन लो भैया लोगों, दुनिया में रिश्ता चाहे जिसका बनाओ, लेकिन औरत से छिपाओ ना। जो भी रिश्ता बनाना है औरत के सामने बनाओ, फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी आपको। 16,108 रानियों के बीच में कन्हैया जी ने द्रौपदी को रिश्ता बनाया। क्या बनाया, क्या बोले? अरे बे द्रौपदी, तूने मेरी आत्मा को पहचाना, तो जाओ आज से तू बहन मेरी, मैं भ्रात हुआ, आज से तुम हमारी बहन और हम तुम्हारे भाई। रिश्ते बनाए थोड़े ही जाते, जैसे कोई आज के जमाने में हमने देखा है, ये हमारी बिटिया लोग बैठी हैं, कोई लड़का जा रहा है तुरंत भाई बना लेंगे, और ये भैया लोग बैठे, हमने देखा कोई लड़की जा रही फौरन उसको बहन बना लेते हैं। एक बात सुन लो बिटिया बहनों भैया लोगों, रिश्ते बनाना तो आसान है, लेकिन दुनिया में निभाना बड़ा कठिन है। रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, बन जाते हैं। देखो, भगवान कन्हैया ने 16,108 रानियों के बीच में द्रौपदी को क्या बनाया। आप रास्ते रास्ते जा रहे हो, आपके चोट चपेट लग गई हो, और कोई लड़की अपने शरीर का कपड़ा फाड़ करके तुम्हारे शरीर में बांध दे, तो आपका और उस लड़की का रिश्ता हमजोली में क्या बन जाएगा? भाई और सगे भाई बहन तो नहीं है, लेकिन भाव का भाई है, भाव की वो बहन है। रिश्ते भाव के बड़े होते हैं, खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता है। भगवान कन्हैया ने 16,108 रानियों के बीच में द्रौपदी को बनाया, क्या रिश्ता बनाया? बोल पड़े, तू बहन मेरी, मैं भ्रात हुआ, बहन आज से तुम मेरी बहन, हम तुम्हारे भाई बन रहे। जो तुमने पट्टी बांधा इसके बदले में दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन याद रख लो, तू बहन मेरी, मैं भ्रात हुआ, ये बंधन का भाव निभाऊंगा। बंधन का भाव निभाऊंगा,
हम दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन याद रख लो बहन, जिस समय मुझे तू याद करे, सगी बहन ना हो लेकिन बनी हो, जिस समय मुझे तू याद करे मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। बहन आज से तुम मेरी बहन बन रही हो, हम तुम्हारे भाई बन रहे हैं। जो पट्टी बांधा है इसके बदले में रुपया पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जाओ आज से मैं वादा करता हूं बहन, अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख पड़े, अगर प्यारे कन्हैया को याद करोगी, तो हम चाहे जहां हो लेकिन तुम्हारा दुख जरूर हम मिटाएंगे। भाई का फर्ज है। बहन आती है, अभी देखो रक्षाबंधन का त्योहार जब आता है सामने में, बहने भाई के घर आती और भाई के हाथ में कलावा बांधती, राखी बांधती। बड़े घर की वीआईपी घर की बिटिया लोग जो हैं, कभी कभी सोने और चांदी की राखी ले जाती है। एक बात सुन लो बिटिया बहनों, राखी कीमत, राखी की कीमत धागे की होती है। सोना चांदी की कीमत है और धागे की कोई कीमत नहीं होती। धागे कीमत होती, सोना तो 60-70-80-90 हजार कीमत है, खरीद लो, लेकिन जो धागा होता है, कपड़ा होता है, धागे की राखियां होती, इनकी कीमत नहीं होती, अनमोल राखियां हैं। बहन आती हाथ में राखी बांधती है, मस्तक में टीका लगाती, मुंह मीठा कराती, मीठा लाती, तुमको खिलाती है, तुम खाते हो, हाथ में राखी बंधवाते हो। उसके बदले में हमने देखा कुछ भैया 500-1000-1100 रुपए दे दिए, 2-400-500-5100-1100 रुपए दे दिए, अदा हो गए। राखी बांधने से अदा हो गए। बहन राखी बांधती और अपने भाई से कहती, भैया ये रुपया हमें ना दे, रुपया लेने नहीं आई। क्या कहती है, गीत सुना होगा आप लोगों ने। बहन कहती भाई से, भाई जो राखी बांध रही हूं ना, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। जो राखी बांध रही हूं भाई, इस राखी बांधने की लाज रखना, निभाना 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 जी निभाना, भैया मेरे भैया मोरे बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। बहन पराई धन होती है, बहन पराई धन होती है, हमको ना तुम मुझे भुलाना, भैया मेरे भैया मेरे कहती भाई से, भैया ये राखी की लाज रखना, हमें रुपया पैसा मत देना, लेकिन पर्व त्योहार हमारे दरवाजे पर जरूर आना। लेकिन कुछ ऐसे भाई हमने देखे हैं दुनिया में, हमने देखे हैं कुछ भाई ऐसे कि अगर बहन बहनों ही गरीब हैं थोड़ा, और भाई भौजाई तनी ऊंचे पद पर पहुंच गए, ज्यादा पैसा रुपया हो गया,
तो भाई और भौजाई बहन को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाता है कि वहां का करे जाए यार, वो गरीब बहनों ही है, गरीब बहन है, हम जाएंगे बड़े आदमी हमें तो हमारी बेइज्जती होगी। अब कुछ बहने भी भूल जाती, हमने देखा है, अगर भाई भौजाई गरीब है और बहन मालदार है, बहुत बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गई है, आदमी भी पहुंच गया है, तो बहन सोचती है वहां का करे जाए, जाब तो हमको लदा तो दे नहीं और हमारी बेइज्जती हुई। बहने भी भाई को भूल जाती कि हम नहीं जाएंगी। लेकिन एक बात बता दें, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी जाओ तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत दुख पड़े तो अगर हमको याद करोगी हम वहां जरूर हाजिर होंगे, चाहे जहां तुम हो, हम चाहे जहां हो। रिश्ता बन गया, कुछ देर द्रौपदी बैठी रही, उसके साथ उसके बाद अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चली आई। कुछ दिनों के बाद द्रौपदी के घर में पांच भाइयों में फूट, यानी पांच भाई और 100 भाई कौरव दुर्योधन चचेरे भाई, भाई भाई में फूट हुई। देखो फूटे तो बहुत ही हैं, लेकिन सबसे खराब फूट है भाई भाई। जिस घर में आपस में भाई भाई लड़ गए, वो घर ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे बंधु बन नहीं पाया। सबसे खराब फूट भाई की होती है। भाई भाई कहां लड़े लिखा है, तजोरे भैया तुम आपस की फूट, तजोरे भैया तुम आपस की फूट, तजोरे भैया तुम आपस की फूट, तजोरे भैया तुम आपस की फूट। भाई भाई करो, अगर आपस में लड़ गए तो बर्बादी हो जाएगी घर की। कहां कहां भाई भाई लड़े, भ्रात विभीषण को रावण ने लात मार फटकारा, भ्रात विभीषण को रावण ने लात मार फटकारा, मिला जाए मिला राम लक्ष्मण से जाकर गया दशानन मारा, मेरा राम लक्ष्मण से जाकर दशानन मारा, हुई लंका, सोने की लंका बनी थी। भाई की फूट के कारण हुई लंका की कैसी लूट, जोरे भैया तुम आपस की, भाई भाई में जरा विचार करो, जिनकी कथा सुन रहे हो, पांच पांडव और 100 भाई कौरव आपस में लड़ाई हुई सगे चचेरे भाइयों में, भैया फूट डाल कर यमनों ने भारत पर कैसा राज किया, इसी फूट को डाल करके अंग्रेजों ने हमारे देश पर कितना अत्याचार किया, न जाने कितने वीर बलिदानी शहीदों ने, वीर सैनिकों ने अपने प्राणों को आहुतियां देकर के इस भारत देश को आजाद कराया। भैया देखो फूट डाल पांडव घर आए, घर में जब
भाई तो सौ भाई दिए चूरन जैसे कूट दिए चूरन जैसे कूट तजोरे भैया तुम आपस की बोट तजोरे भैया तुम आपस की बोट तजोरे भैया तुम आपस की बोट तजोरे भैया तुम आपस की सौ भाई दुर्योधन था पांच पांडव थे चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई हुई सौ भाई बर्बाद हो गए मिट गए भाई भाई आपस में लड़ गए जिस घर में इनको शांत करो भैया थोड़ा एक आदमी बहुत हुहल्लड़ कर रहे हैं कोई पुस्तक तो रखी ना है जो देख ले भूत दिमाग बट जाता है कार करना है जो शांति से करिए बोलिए मत भैया आज सबसे खराब फूट है भाई भाई की भाई भाई की सबसे खराब फूट है द्रौपदी के घर में फूट आई पांडव की मृत्यु के बाद दुर्योधन कहता राजा हम बनेंगे और पांडव का विचार है राजा बने धर्मराज युधिष्ठिर भैया द्रौपदी के घर में जब फूट आई तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह लिया मामा एक बात है बताओ इन पांडवों का राजपाट हमारे पास है ऐसी कोई युक्ति बताओ ऐसी तरकीब बताओ जिससे इन पांडवों का राजपाट हमारे पास आ जाए ये हमसे मांगे ना तो दुर्योधन से शकुनी कहने लगा दुर्योधन का मामा था शकुनी और यह रिश्ता बड़ा अजीब है दो तीन मामा अपने बहनन को बर्बाद कर दी भैया रावण का मामा मारीच अगर सोने का हिरण न बनता तो शायद सीता हरण नहीं होते रावण की लंका बर्बाद न होती मामा ने महाभारत में दुर्योधन का मामा शकुनी अवालह के मामा माहिल न होते तो आज इतना अलखंड तैयार ना होता सज्जनों शकुनी कहने लगा भांजे एक उपाय है इन पांडवों का हिस्सा तो मिल जाएगा कैसे धर्मराज युधिष्ठिर को यहां बुलाओ घर और तुम मत खेलना तुम्हारी तरफ से हमें खेल खेलेंगे उस खेल का नाम होगा जुए का खेल जुए का खेल हम खेलेंगे ये हमारे भैया राम कुमार दुधा नंदागौड़ा से ये सौ मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए प्रदान किया है भैया ने परमात्मा सदा कल्याण करे मंगलमय कामना सदन निभा भैया कहने लगे कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को यहां बुलाओ हम जुए का खेल खेलेंगे उसमें तुम मत खेलना छल कपट के द्वारा सारा हम खेल खेलेंगे हम धर्मराज को हरा करके सब कुछ ले लेंगे फिर तुमसे कभी मांग नहीं सकते हिस्सा नहीं मांग सकते और जिसका हिस्सा है वो तो मंगवे करिए घर में भाई है भाई चाहे माँ बौखल हो चाहे माँ बेकार हो एक सही हो लेकिन अगर उसका हिस्सा है तो हिस्सा लेगा दुनिया कहेगी भैया दुर्योधन की बात समझ में आ गई कि मामा सही नीति बता रहे हैं फौरन धर्मराज को अपने घर बुलाया भैया घर आओ धर्मराज आए जैसे देखा मामा शकुनी तो पहले से बैठा था काओ भांजे हम तुम्हें एक नया खेल खेले कैसा जुए का खेल अब दुनिया में खेल तो बाजियां बहुत सी हैं बीड़ी बाजी चिलम बाजी शराब बाजी सिगरेट बाजी जुआ बाजी लेकिन सब बाजियों में सबसे खराब बाजी है जुआ बाजी अगर जुए का खेल जो खेलता है जिसकी लत पड़ गई है ना
तो जुआरी की बीवी यानी कहा करती है कि हमारे मने के ऐसी आदत है, रखिए घर में लुटिया बर्तन, मैं चारपाई तक नहीं, बेच सब लेगा, कुछ नहीं रह सकता है, कुछ नहीं रह सकता है। भैया एक बात बता दें, दुनिया में तीन लोगों की स्त्रियां सदैव दुखी रहती हैं, वो कभी खुश नहीं रहती। कौन? एक तो जुआबाजी, जो लोग जुआ खेलते हैं, शिक्षा की बात है। एक तो जुआबाजी और दूसरे शराबबाजी और तीसरे कामबाजी। ये तीन लोगों की पत्नियां कभी खुश नहीं रहती है ना। चोर भैया, उसमें तीन में से सबसे बहुत ही ज्यादा दुखी है चोर की स्त्री, जो चोरी करता है। अब चोरी कैसे चोरी हो? चोरी तो आत्मा की सबसे खलन चोरी होती है। नीके नीके आदमी मांग ले कोई बात नहीं, लेकिन चुराए कोई सामान ले ले जन दिल कलेजा निकाल लेंगे। चोर की पत्नी आदमी को समझाया करती, स्वामी ऐसा है, तुम यू काम न करो, चाहे और कोई मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन चोरी करना छोड़ो। चोर कहता रे पागल, तुझे पता है हम एक एक रात में 10-10 लाख 20-20 करोड़ रुपए लाते हैं, करोड़ों की सामान लाते हैं, तुझे पता है? तू बैठ के खा। तो पत्नी कहती, खैब तो है नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, अभी हमारा कहना नहीं मानते, लेकिन मान जाओगे जब तुम्हारी चोरी करने की आदत पड़ी है, तो मान जाओगे। कब? अभी नहीं मान रहे हो। भैया लोग कहा करते हैं कि हाथ हम रोटी, हम तुम कहे नीके नीके रोटी सब्जी दाल चावल बना के दे रहे, नहीं अच्छा लग रहा, और तब खाई हो कहा। हाथ हम रोटी अरे कटारो मझल रहा, और तसलो में पानी पियत हो गए जेल खाने में बालम, बड़े हो गए जेल खाने में बालम, बड़े हो गए जेल खाने में बालम, बड़े हो गए जेल खाने में बालम। हाथ में रोटी कटारो में झल रहा, तसलो में पानी पियत हो गए जेल खाने, करोगे किसी दिन कि हमारी पत्नी हमको समझा रही थी, हम नहीं माने, उसका परिणाम आज हमको मानना चाहिए। ये माताएं बहनें हमारी, ये मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, इंसान मानता नहीं है, लेकिन इनकी बातों को मानना चाहिए। मैंने पहले दिन बोला था, ये माताएं बहनें चार रूप की होती हैं, आदमी के आगे चार रोल बनाती हैं। कौन? भोजन में नित माता के सम, जिसमें भोजन परोस के खिलाते, समझ लो औरत नहीं महतारी का रूप बनाए। भोजन में नित माता के सम और सेवा में दासी है, कहीं सिहारे थके आ जाओ तुम्हारी सेवा करती तो दासी चरणों की। और परामर्श में मंत्री के सम अरुसैया में रंभासी है, घर में लड़की बिटिया शादी बिहाव करो, कथा भागवती की करो, हर आदमी नारी से सलाह लेता है, उसमें नारी उचित अनुचित विचार करके आपको सलाह देती है। चौथे नंबर पर पत्नी आई, तो तीन नारियां सदैव दुखी रहती दुनिया में,
उसमें चोर और नंबर ज्यादा है जुआरी की बीवी। जुआरी की बीवी तो ऐसे डरती है कि हाय दादा हमरे मने के ज्यादा तही तो कपड़ा लगता लोटिया थरिया कुछ न रखी है, सब बेच लेगा। जुआ में तो सब कुछ चला जाता है और सब हार जाता आदमी। तो आज धर्मराज खेलने लगे जुआ, धर्मराज होते हुए जुआ खेलने लगे। और दो तीन काम अगर जले बेईमानी छल कपट मालूम नहीं तो भैया तुम जीती हो ना। कौन? जुआ जूती छल बल से होई और फिर करे सुपावे सोई। अरे छल कपट बेईमानी मक्कारी मालूम नहीं है तो भैया जीती हो ना। जुआ जूते छल बल से होई, छल कपट मालूम होना चाहिए। धर्मराज धर्मराज है उनका जाने बेईमानी मक्कारी खेलने बैठे और मामा शकुनी तो छली है खेलने लगा। भैया पांचों भाइयों को पहले हार गए अपने, पांचों भाइयों को जब हार गए उसके बाद हाथी घोड़ा गज रतन रुपया पैसा सोना चांदी जो भी था उनके हिस्से में सब हार गए धर्मराज। अब तो कुछ नहीं रह गया। शकुनी बोला धर्मराज अब का खेली हो जुआ में, अब तो तुम फकीर बन गए, अब तो कुछ रह नहीं गया, क्या खेलोगे? धर्मराज बोले मामा ऐसी बात मत कहना, चलो हमारे पास कुछ नहीं, हम अपनी स्त्री को दांव पर लगा रहे हैं। औरत के ऊपर अधिकार आदमी का होता है किसी दूसरे का नहीं। हम अपनी स्त्री द्रौपदी को दांव पर लगा रहे हैं, अगर जीत गए तो सब वापस, हमें जब हार गए तो जब सब हार गए तो औरत को भी जाओ हार रहे। ओ द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, आज धर्मराज द्रौपदी को भी हार गए। आदमी सब कुछ चाहे हार जाए दांव लगा दे लेकिन औरत को कभी नहीं बेच सकता, कभी नहीं हार सकता। तो ये लोग तो यानी कथाओं में आए हैं, एक तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री को अपने हाथों से बेचा और दूसरे धर्मराज ने आज जुआ में अपनी स्त्री द्रौपदी को हार लगा दिया, हार गए। अब तो दुर्योधन कहने लगा अब क्या है, अब तो सब कुछ हमारा है, राजपाठ धन दाम दौलत अब तुम मांग नहीं सकते हो, सब हमारा है, तुम्हारी स्त्री भी हमारी दासी बनकर के रहेगी, रानी नहीं दासी बनकर के सेवा करेगी। अपने मंत्री से कहा, दूत से कहा, रे जा रे तू द्रौपदी को बुला ला। द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन को कहा था अंधे की संतान अंधी होती है, अंधे की संतान अंधी होती है शब्द कहा था, बोली बोला था। दुर्योधन ने कहा जाओ सबसे पहले द्रौपदी को बुला लाओ, हम राजा आदमी हमारा अपमान करे औरत, आज पहले अपने अपमान का बदला हम लेंगे, पहले हम अपने अपमान का बदला लेंगे। दूत गया लेकिन घर पर दुर्योधन की स्त्री का नाम है भानुमती, वो मिल गई। दूत से कह रहे दूत कहां जा रहा है, का तुम्हारे पति ने द्रौपदी को बुलाया है। भानुमती ने कहा भाग जा यहां से, इतने कोड़े मारूंगी कि तू गिन नहीं पाएगा, एक स्त्री को समाज में मेरे आदमी ने क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है, नहीं जाएगी द्रौपदी। भग जा वरना पापी तेरे ऊपर कोड़ा बरसाऊंगी, तेरे ऊपर कोड़ा बरसाऊंगी, ऊपर कोड़ा बरसाऊंगी। कह देना जाकर स्वामी से द्रौपदी वहां मेरे स्वामी से कह देना जाकर के दूत कि द्रौपदी वहां सभा के बीच में नहीं आ सकती, एक औरत को बुलाने का औचित्य क्या है मेरे पति का। दूत लौट गया जाकर के दुर्योधन से कहा महाराज
हम तो गए थे आपके रानी भानुमती ने नहीं आने दिया द्रौपदी को, नहीं आने दिया। जब इतना सुना दुर्योधन ने तो अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भैया तुम जाओ और द्रौपदी चाहे जहां हो, चाहे जिस हालत में बैठी हो, चाहे जिस अवस्था में हो, तुम खींच करके दरबार में लाओ, यहां लाओ मेरे पास। द्रौपदी को लेने आज दुशासन आ रहा है। जिस समय दुशासन आया चलते चलते महलों में, उस समय द्रौपदी की अवस्था कैसी है? रजस्वला थी द्रौपदी, दोहरी साड़ी धारी, खुले के बैठी हुई अपना अंग संभाल। उस समय द्रौपदी की अवस्था ठीक नहीं थी, रजस्वला धर्म से थी। कुछ समय हमारी माताओं बहनों का ऐसा होता है, जो गंभीरवान माताएं बहने हैं, यहां तक पूजा पाठ करना बंद। जो गंभीरवान माताएं हैं वो भोजन तक नहीं बनाती हैं। आज वही अवस्था है द्रौपदी की, चुपचाप एकांत बैठी है कि हमको ऐसे में कोई आदमी देखने न पावे। खुले बाल भी खुले हैं, वस्त्र भी डबल हैं, बैठी है। इतने में दुशासन पहुंच गया, चल आज से तू मेरे भैया दुर्योधन की दासी बनकर के रहेगी, रानी नहीं। अब तू पांडवों की रानी नहीं, दासी बनकर के रहेगी। तो द्रौपदी बोली, भैया दुशासन ऐसा न कहो, माफ कर दे मेरे छोटे भैया। दुशासन ऐसा न कहो, माफ कर दे मेरे छोटे भैया, सभा जाने के काबिल नहीं हूँ। माफ कर दे मेरे छोटे भैया, सभा जाने के काबिल नहीं हूँ। माफ कर दे मेरे छोटे भैया, सभा जाने के काबिल नहीं हूँ। माफ कर दे मेरे छोटे भैया, माफ कर दे सभा जाने के काबिल नहीं हूँ। पाँव पड़ती हूँ तेरे दुशासन भैया, पाँव पड़ती हूँ तेरे दुशासन, मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। माफ कर दे हमें न ले जाए इस समय, मेरा शरीर ठीक नहीं है, भले लोगों के सामने जाने लायक मैं नहीं हूं, हमें समाज में मत ले जाओ, नारी की कुछ मर्यादा होती है, इतना प्रताड़ित ना करो मुझे, ऐसे समय न ले चलो। लेकिन जो कुशीली लोग होते हैं ना, जो कुशीली लोग होते हैं तो काम तो वैसे करी है। जो नीच इंसान होता है, नीचता, नीच के सूद के कोई जात ना ही हो, कह यार का वाला सूदन वाला काम कर रहे हो, तो सूद की कोई जात ना ही हो भैया, चाहे कोई हो, जो सूद का काम करे वह है सूद, है जो सूद वाला काम करे वही तो सूद है, सूद की जात नहीं होती। काचा भैया मुझे न ले जा। दुशासन बोला, तुझको ले चलने के लिए कोई पालकी मंगाऊं तब तू चलेगी, मैं लेने आया हूं तुझे लेकर के जाऊंगा। पकड़ लिया बांह द्रौपदी की बांह और घसीटने लगा जमीन पर। देखो जुआ खेला है धर्मराज ने और परिणाम कौन भोग रहा है? द्रौपदी। गलत कर्म करता है इंसान और परिणाम भोगते उसके बीवी और बच्चे। बांह को पकड़ लिया द्रौपदी को और दुशासन घसीटने लगा।
एक तो उसका शरीर सही नहीं, और जब जमीन पर घसीटने लगा, बालों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ करके घसीट रहा है। और एक बात बता दे भैया मेरे नौजवानों, औरत को जब भी मारना तो थप्पड़ तो थप्पड़ मार देना, कभी भी ज्यादा गुस्सा अगर है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्यारे दो भाइयों, औरत के बालों को पकड़ करके कभी घसीट करके मारना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने औरत के बालों को घसीट करके पकड़ पकड़ के मारा है, उनकी घर की बर्बादी हो गई, बच नहीं पाए। द्रौपदी को आज दुशासन घसीट रहा है, बालों को पकड़े घसीट रहा जमीन पर, एक तो शरीर सही नहीं था, और जब घसीट रहा तो शरीर और अंग बंग हो गया, फट गई साड़ी। क्या बोली, ए भैया दुशासन रुक जा, देख तू कैसा देवर है। तात चलती हो जरा भैया दुशासन, तात चलती हो जरा सर को उठाने, शरीर की हालत क्या है, साड़ी फट गई है, शरीर अंग बंग हो चला है, समाज में तू नहीं देख रहा है। आह साड़ी के हुए टूट के भागे भागे, आह साड़ी के हुए टूट के भागे भागे। सुनी यादव, ये हमारे खाल गांव पहाड़ापुर से 101 मुद्रा ऑनलाइन दान आया है हमारे पास, बहुत पैसे आते हैं भैया लोग दान करते हैं, चाहे यहां देने कोई आवे चाहे आपके मोबाइल पर देखा होगा चिप लगी है पे फोन है ना, ये ऑनलाइन दान आया है। सुनील कुमार यादव खाल गांव पूर्वादवासी, 101 मुद्राओं का दान भैया तरफ से आया है, परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। हजार लोग देख रहे हैं, कथा यहाँ हो रही सिपहिया में, लेकिन देखने वाले जो हमारे भक्त हैं बहुत से हैं। क्या कहती द्रौपदी, आह साड़ी के हुए टूट के धागे जाती है मगर आप बचा ले, अरे देख साड़ी तो फट गई है, लाज जाती है मगर आप आबरू तो बचा लेने दे। तू कैसा देवर है, समाज को नहीं देख रहा है, हमें कैसे बेरहम बन करके कुशीली बन करके घसीट रहा है, एक तो मेरा शरीर सही नहीं, समाज में जाने लायक नहीं, तू मुझे जबरदस्ती लिए जा रहा है, लेकिन वो ध्यान कुछ नहीं देता है, दुशासन कुछ ध्यान नहीं देता है,
और खींचते खींचते खींचत ही वह ले गया दुष्ट सभा के बीच। कुरपति तो लखता रहा कि ये सभी ने नैनानी। खींचते खींचते द्रौपदी को भरी सभा में इसी प्रकार से जाकर के खड़ी कर देता है। जरा विचार करें, एक तो शरीर सही नहीं, दूसरे बदन साड़ी वो सब फट गई है, घसीटता हुआ लाया है ना। दुर्योधन ने देखा, अन्य राजा लोगों ने द्रौपदी की हालत को देखा तो नजरें नीची कर लेते हैं। एक बात और सुन लो, जो गंभीरवान भैया लोग होते हैं, विचारवान गंभीरवान सज्जन आदमी होते हैं, वो दुनिया में कोई भी दृश्य हो, चाहे नारी हो चाहे कोई हो, वो गंदी अवस्था में उसको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं कुशीली, उनके लिए चाहे कुछ, वो गंदे हैं तो गंदे तो काम करेंगे, कपड़ा लगता पहनने से सुंदर नहीं हुई जात। जब उनके विचार गंदे हैं, उनका चालो चलन ठीक नहीं है, तो चाहे जहां जाएं, बैठे उठे काम तो गंदे ही करेंगे, अच्छा काम कहां करेंगे। भैया भले लोगों ने द्रौपदी की हालत को देखा, नजरें नीची झुका लिया, लेकिन दुर्योधन आज आंखें फाड़ फाड़ के द्रौपदी को देख रहा है। अपने भाई दुशासन से कहा, भैया खींच लाए? हाँ ले आए भैया। का एक काम करो, अब तुम अब एक काम करो, ऐसा है इसने हमको बोली बोला था अंधे के अंधे ही संतान होती, तो ऐसा करो अब जो शेष साड़ी बची है इस साड़ी को भी खींच लो, सारी साड़ी खींच लो, इस भरी समाज में इसका सारा बदन नंगित करके हम क्या करेंगे, नंगित करके जंघाऊ पर इस सभा बीच बैठाऊंगा, परसों से उबले रक्त मेरा वो आज ठंड कर पाऊंगा। खींच ले साड़ी, खींच ले इसकी साड़ी और सारा बदन नगन करके नंगित करके हरी सभा में उसको जान पर बिठाऊंगा, जान पर बिठाऊंगा। ये दुर्योधन की प्रतिज्ञा है, दुर्योधन की प्रतिज्ञा है, एकदम नगन करके इसको भरी सभा में जान पर बिठाऊंगा। दुनिया वालों जरा प्रश्न हल ये करो, भारत की पुजारिन ठगी क्यों गई, सारी जनता बैठी बैठी रही, भारत की नारी रुलाई क्यों गई। एक औरत एक नारी की ये दशा, इतनी भरी जनता समाज है, एक नारी को क्या दशा होगी अगर उसको नग्न कर दिया जाए। मेरे प्यारे सज्जनों, द्रौपदी रो रही है, आज समय का देखो चक्कर है, पांचों पति सामने बैठे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव, पांचों पति सामने बैठे हैं, तो आज आंखों में आंसू भर करके द्रौपदी अर्जुन की तरफ इशारा करती है। पांच मनई जहिते पांच मनई धुरंधर होए, अरे उसके नारी के भला कोई हाथ लगा के देखे। अर्जुन की तरफ इशारा करते द्रौपदी, स्वामी अरे करके रत्नारे लाल नयन ये गांडीव काम कब आएगा। गांडी धनुष लिया बैठो, किस दिन के लिए बैठो, राइफल रखे हो
घर की मर्यादा जाए रही तुम ले दिखाए रहे हो घर, क्या फायदा है। ये गांडू धनुष किस दिन के लिए सीखे थे? ले जा तो आज जा रही है फिर किस दिन तू चल पाए। दुष्ट हमारे हाथ लगा रहा, हमको नग्न करने को तैयार है, तुम धनुष मार लिए बैठे देख रहे हो। अरे तुम तो मारते थे बाण, पृथ्वी से पानी निकाल लेते थे, कहां चला गया बल, कहां गई वीरता। आज एक तुम्हारे सामने एक नारी की नग्न करने की हिम्मत हो गई। अर्जुन ने सुना जरूर, लेकिन एकता देखो, बड़े भाई के आगे छोटा नहीं बोल रहा है, छोटा भाई नहीं बोल पा रहा है। भैया जब अर्जुन नहीं बोले तो भीम की तरफ इशारा करती है। द्रौपदी ने सोचा चाहे कोई बोले ना, लेकिन पांच मनई में एक मनई हमार क्षत्रिय है, वीर है, और क्षत्रिय आदमी जो होता है वो औरत को नग्न अवस्था में कभी नहीं देख सकता है, औरत पर अत्याचार नहीं देख सकता है। ये वीरों की पहचान है, क्षत्रियों की पहचान है। अबला की, अबला का सम्मान रखता है क्षत्रिय आदमी। मेरे बंधु, द्रौपदी विचार करती है, हमई उधारी अरिहोन ना गई है, चाहे सपति ना बोले, सपति बोल नानी ना बोले, लेकिन एक पति जरूर बोलेगा, कौन हम उधारी होन ना गई है। अब कही कर भीम गदा गही ले है, चाहे कोई ना बोले, लेकिन हमारा एक पति क्षत्रिय है भीम, वो हमको नग्न अवस्था में नहीं देख सकता है, वो जरूर बोलेगा। भीम की तरफ इशारा किया द्रौपदी ने आंखों में आंसू भर के, स्वामी ओ शत्रुभंजनी भीम गदा, क्या उठने की अब ताब नहीं, क्या गदा को क्या हो गया भीमसेन, कहां गया हजार हाथियों का बल, क्या उठने की अब ताब नहीं। सहदेव नकुल क्यों बैठे हो, क्या क्षत्रिय पन की याद नहीं। सहदेव नकुल क्यों बैठे हो, क्यों चुपचाप बैठे हो। सहदेव नकुल ने सुना, भीम ने सुना, लेकिन नजरें नीची कर लिया। भीम खड़े तो हुए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर रोक लिया, भैया शांत हो जाओ, बैठो। भीम ने कहा ठीक दादा, बैठते तो हैं, लेकिन जो मेरे निगाहों के सामने अत्याचार एक अबला पर यह दुर्योधन कर रहा है, याद रखना दादा, अगर आज तुम हमें बिठा रहे हो, लेकिन याद रखना इसने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी को नग्न करके जान पर बिठाऊंगा, तो मैं भी भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं, आज जब कभी मिलेगा दुर्योधन, जब कभी मुझे मिलेगा, तो इसकी जांग अपनी गदा के द्वारा मैं तोड़ूंगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया, वाह रे शाबाश भीमपति, अगर जिस दिन तो इसकी जांग को तोड़ेगा तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं, तब तक मैं अपने बालों को कभी नहीं बांधूंगी।
और जिस दिन इसकी तुम जान को तोड़ोगे इसके खून से अपने बालों को धो करके तब बालों को बांधोगे अन्यथा नहीं। जब पांचों पति सब बैठे हैं कोई बोलने वाला नहीं, अब द्रौपदी विचार करती है अब क्या करें। पांच पति पर ऐसी गति, जैसे जिस औरत के पांच पांच पति हो और उसकी लाज, पांच पति पर ऐसी गति अब नहीं हर से बुलवई वो। जिसके पांच पति हो कोई ना बोले तो लड़की किसका सहारा लेती अंत में, अपने मायके का, अपने भाई और बाप। तो द्रौपदी ने अपने बाप भाई को नहीं याद किया। सगे जो बना रिश्ता है कहुआ सुनवा रिश्ता है ना, लोग कहते हैं फलाने कौन के संग साधर है, तो कहे सुनने वाले भाई आए। रिश्ता भाव का बड़ा होता है। जब कहीं इससे कोई उपाय ना पाया द्रौपदी ने कि मुझे बचाने की लाज मेरी कौन बचावे, तो द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करती है। याद किया भैया उस दिन याद करो जिस दिन तुम्हारी उंगली में सुदर्शन चक्र लगा था, अपनी साड़ी फाड़ करके मैंने पट्टी बांधा था, तुमने मुझे वचन दिया था कि जब तुम्हारे पर दुख पड़े तो मुझे याद करना। आज भैया वही समय आ गई। अब आओ क्या कह रही द्रौपदी। ओ यशोदा के कुंवर कन्हैया, चंद बाबा के छैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के ए हो। यशोदा के कुंवर कन्हैया, चंद बाबा के छैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के। यशोदा के कुंवर कन्हैया, चंद बाबा के छैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के। दुष्ट दुशासन अपने हाथ बढ़ाए, दुष्ट दुशासन अपने हाथ बढ़ाए, सभा के बीच हमें नगन कराए, सभा के बीच हमें नगन कराए। ओ गज के फंदक तैया, ग्राह को मार गिरैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के ए हो। यशोदा के कुंवर कन्हैया, चंद बाबा के छैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के। यशोदा के कुंवर कन्हैया, चंद बाबा के छैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के। क्या कहती द्रौपदी। बहन तेरी अब रोए रही है, बहन तेरी अब रोए रही है, करी के सुरती तो है ध्याए रही है, करी के सुरती तो है ध्याए रही है। ओ मेरे तुम बिरना भैया, मेरे वो कुंवर कन्हैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के ए हो। मोरे वो बिरना, मेरे वो कुंवर कन्हैया, सोए कहाँ हो कंबल तानी के। यशोदा के कुंवर कन्हैया, नंद बाबा के छैया, सोए कहाँ हो कंबल कहाँ हो भैया। अब तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है रक्षक। अगर तुम ही बचा सकते हो तो मेरी लाज को तुम ही बचाने वाले हो। बहन की लाज को भाई बचाता है। मेरे बंधु भाई बाप सामने खड़े हुए तो बहन एकदम शेरनी है शेरनी, अब कोई नहीं तो भैया मजबूरी। अब तुम आओ मेरी रक्षा करो भैया। तुमने वचन दिया था, कहा था
कि हम समय आने पर तेरी मदद करेंगे, तुम कहां हो? क्या कह रही द्रौपदी? अरे दुष्ट दुसा सन खींचे सरिया। भैया देखो हजार लोगों के बीच में अब दुष्ट दुसा सन खींचे सरिया, काहे आबाना मोहन बाहमार मोरिया, काहे सन खींचे सरिया, दुष्ट दुसा सन खींचे सरिया, काहे आवाना मोहन बाहमार मोरिया, काहे आवाना मोहन बाहमार मोरिया, काहे आवाना मोहन बाहमार। देखो भैया बैठे हैं पांचों पति शीश झुकाए, बैठे हैं पांचों पति शीश झुकाए, बैठे हैं पांचों पति शीश झुकाए, ताके न कोई हमारी ओरिया हो, ताके न कोई हमारी वरिया, काहे जुआ की बाजी माँ स्वामी मोरे हारी गई रे, जुआ की बाजी माँ स्वामी मोरे हारी गई रे, जुआ की बाजी माँ स्वामी मोरे हारी गई रे। क्या क्या हारे हैं? हारी गए राज पाठ सारी भैया। मैंने सुना है तुमने लाखों की लाज बचाई, लेकिन आज तुम्हारी बहन की इज्जत का सवाल है। अगर अपनी बहन की इज्जत ना बचा पाए तो दुनिया क्या कहेगी? जब अपनी इज्जत नहीं बचा पाए तो दूसरे का बचे? मैंने सुना है लाखों की लाज बचाई बनवारी तूने, लाखों की लाज बचाई बनवारी तूने, लाखों की लाज बचाई बनवारी तूने, आए गई आज हमारी देरिया हो, आए गई आज द्रौपदी भगवान कन्हैया को आवाहन कर रही, बुला रही है, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान ऐसे थोड़े आते हैं। भगवान आपके ऊपर मुसीबत पड़ी हो तो भगवान कब आते हैं? जब दुनिया के नात रिश्ते सब छोड़ दोगे, एकदम भगवान के सहारे हो जाओगे, तब परमात्मा आएगा। और आजकल जमाने में लोग कहते हैं कोई आवे चाना है हमारे फलाने में तो बड़े हैं धन वाले, वो हमारी मदद करेंगे। जब तलक नात रिश्ते और इंसानों पर तुम्हें घमंड होगा, तब तक भगवान तुम्हें कभी जिंदगी में मदद नहीं दे सकता है। ये नोट कर लो। और जिस दिन सब छोड़ करके
भगवान के अधीन हो जाओगे, भगवान के सहारे हो जाओगे। हे प्रभु तुम जानो तुम्हारे सहारे। आरती करते हो, रोज आरती करते हो, पूजा पाठ बहुत से मैया माताएं मैंने करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। जब आरती करते हो भगवान के सबके घर में तो क्या कहते हो? आरती पढ़ाया आपने? पढ़ते हो लेकिन गौर नहीं करते हो, और पढ़ते रोज हो, कहते हो हे भगवान आरती जलाए, कहते हो हे प्रभु तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। ये तन भी आपका है, धन भी आपका है, मन भी आपका है, कुछ नहीं हमारे पास, सब तुम्हारा है स्वामी, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, गाते हो तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, कुछ नहीं मेरे पास। इसलिए भगवान जब आता है, जब दुनिया के नात रिश्ते छोड़ करके भगवान के अधीन हो जाओगे, तब द्रौपदी का मन कभी अपने पतियों में भटक रहा है, हो सकता है बैठ बोलना पड़े, अब इनके पानी चढ़े, अब बोले बतलाओ तो भैया, हम बंद कर दे, तुम बतला लो तो कथा सुना में। बात जरूरी है कि कथा जरूरी है? जो जरूरी है वो काम करो, और ज्यादा नहीं समझ मारे तो काहे बैठो, जाओ घर में आराम करो, जाए सो जा करके, क्यों परेशान हो? जाओ नहीं समझ में आवे बात तो हो हल्ले नमच, जाओ घर में जाओ सो जाके। कल से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कहने आऊंगा कि सिपहिया वालों आओ भैया कथा सुनो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। क्या बता रहे थे? द्रौपदी भगवान को याद कर रही, कैसे कह रही है? जब सब नात रिश्ते दुनिया के अपने पतियों का भी सहारा छोड़ दिया, पतियों का सहारा छोड़ करके एकदम भगवान के अधीन हो गई द्रौपदी, कन्हैया के अधीन, भैया अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है। क्या कहती रो रो करके? क्या कहती द्रौपदी? कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी कन्हैया, कहां तक आपकी रास्ता देखूं, बहुत समय हो गया लाज जाने वाली है। दुशासन साड़ी को पकड़े तैयार खड़ा है नग्न करने के लिए, तुम कहां हो भैया मेरी लाज रक्षा बचाओ। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी प्रभु आते आते, बहुत बहुत देर कर दी मेरी लाज मोहन कन्हैया, मेरी लाज मोहन जाने न पाए, रुलाते रुलाते बहुत देर कर दी, रुलाते रुलाते बहुत देर कर दी, रुलाते रुलाते
साथ भगवान कन्हैया को पुकारा है द्रौपदी ने। भगवान कन्हैया रुक्मिणी के साथ द्वारकापुरी में पंसासार खेल रहे हैं। और जैसे तेर लगाई द्रौपदी पिघले दीनानाथ, और झटपट पैदल चल दिया पुरी द्वारिका। आज जैसे सुना भगवान कन्हैया ने, हाय मेरी बहन द्रौपदी मुझे याद कर रही। देखो आत्मा, इतने लोग बैठे हो चाहे जहां हो इंडिया में, अगर आत्मा आत्मा का मिलन एक है तो आत्मा आत्मा को पहचान जरूर लेते कि भूखे हैं, प्यासे हैं, दुखी हैं, खुशी हैं, चाहे जिसकी आत्मा हो। इतने लोग बैठे हो, आत्मा तो सबकी एक है और आत्मा आत्मा की पहचान जरूर कर लेती है। आपके दरवाजे पर कोई आदमी और आवे और तुरंत आपसे बोले बतलावे, तो तुम ये जरूर आत्मा इतना जरूर जान लेगी ये भूखा है, प्यासा है, दीन दुखी कैसा है, किस हालात में है, आत्मा आत्मा इतनी जरूर पहचान कर लेती है। भगवान कन्हैया ने सुना द्रौपदी बहन पुकार रही है, रुक्मिणी का खेल साथ छोड़ दिया, भाग खड़े हुए। इतनी तेजी से भागे, अपनी सवारी गरुड़ को भी छोड़ दिया। गरुड़ महाराज रास्ते में आकर के मिले भगवान से, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो भाग, अरे हमका छाने कहाँ जा रहे हो, जिससे कोई आदमी की इमरजेंसी पड़ जाए तो मोटरसाइकिल छोड़ के सीधे पैदरे भागे तो जानो विशेष कारण है। हाँ? जल्दी पहुंचाती मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल भागे तो लोका की। गरुड़ महाराज रास्ते में मिले, कहा भगवान का हमें छोड़े कहां जा रहे हो, बैठो हमारे ऊपर, मैं ले चलूं आपको, मैं आपकी सवारी हूं। भगवान कन्हैया गरुड़ से बोले, गरुड़ आज तक चले हो भक्तों के काम में और आज चल रहे हो हमारी बहन के काम में, इतनी तेज चलो, इतनी तेज चलो जो आज तक चाल कभी चली ना हो। भगवान कन्हैया क्या कहते हैं गरुड़ से, एक पद सुना है आपने। भगवान कहते हैं, धीरे माती चलो गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती मत चलो करुण मेरे भाई, कारज भी तो जाए। मेरे मत चलो करुण मेरे भाई, कारज भी तो जाए। खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, आज तबे भगवान से, प्रभु हमारी चाल तुम समझ नहीं रहे हो, हम धीरा चल रहे, हम कितनी तेजी से चल रहे हैं। मन से तो हम चले सवाई, पवन से चले चौगुना। मन से तो हम चले सवाई, पवन से चले चौगुना। मन से सवा को सो आगे, हवा से चार गुना अधिक तेज आगे चल रहे। यह उचाल प्रभु मन ही न भावे, यह उचाल प्रभु मन ही न भावे, और चाल कहां से हिला।
अरे तुमको पता नहीं कितनी तेजी से चल रहा हूं, अब हमारे बस की बात ना। कट्टा पगेर के आगे कोई औरों गेर हो जल्दी भागे, सबसे जल्दी ले चलने वाला गियर है टाप, और टाप गियर के आगे हमारे पास क्षमता है नहीं। भगवान कन्हैया गरुड़ की सवारी से कूद पड़े, नहीं पहुंच पाए तो अपना पीतांबर फेंका, वही जाकर के द्रौपदी के पास पहुंचा। द्रौपदी समझ गई पीतांबर सब थोड़े ओढ़त, पीतांबर सब थोड़े पहनत, तुलसी की माला सब थोड़े पहनत, कोई सोना चांदी की माला दुनिया जंजीरे पहनत। सोने की कीमत है लाख दस बीस लाख, चांदी की जंजीर पहनो उसकी कीमत, सोने की जंजीर पहनो कीमत, लेकिन जो तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। गला शुद्ध कब किसका रहता है? जब तक आदमी तुलसी की माला नहीं पहनता है तब तक उसका गला शुद्ध नहीं रहता है। हैं, सोने चांदी की माला चाहे जितना पहनो अशुद्ध है गला, पाप है, पापी है, सोना पापी है ना। और तुलसी की माला जब हम पहनते हैं धारण करते हैं तो गला शुद्ध होता है, वाणी भी शुद्ध निकलेगी और सब कुछ सही होगा, उसकी कोई कीमत नहीं होती। फौरन पीतांबर सब थोड़े ही ओढ़ते, पीतांबर को सब नहीं भैया ओढ़ते हैं, जो धार्मिक है धर्म कर्म करता है वही तो पहनेगा, बाकी सब कहां। वही द्रौपदी के पास पीतांबर आया, द्रौपदी समझ गई मेरे भैया का पीतांबर है, आ गया मेरा भाई आ रहा है। पहले पहुंचा पीतांबर, तब पहुंचे पीतांबर धारी, और तब सबसे पीछे आई गरुड़ की सवारी सबसे आखिरी में। अब जब द्रौपदी ने देखा भगवान कन्हैया का पीतांबर, समझ गई मेरा भैया आ गया। दुशासन से कहा दुशासन अब कर ले अपने मन की मानी, कर ले अपने मन की मानी। अब भाई जब सामने आ जाए तो बहन एकदम शेरनी है भैया ना, क्या बोली द्रौपदी, अब खींच ले। हरे राम खींचे आहा, हरे राम खींचे दुशासन सारी आओ रे बन बारी रे हारी, हरे राम खींचे दुशासन साड़ी किया बन बारी रे हारी, हरे राम खींचे दुशासन साड़ी किया बन बारी रे हारी। मेरे दुशासन हाथ बढ़ाए मुई सभा में कोई न दिखाए रामा, दुशासन हाथ बढ़ाए मुई सभा में कोई न दिखाए रामा, हरे राम आवो, हरे राम आवो कृष्ण मनिहारी बंधु। अब तो दुशासन साड़ी को पकड़ करके एक झटका देता है, 10,000 हाथियों की ताकत है उसमें, एक झटका देता है बेचारी, सात चक्कर बंदी की तरह नाच जाती है एक जगह पर। एक शेर के सामने अगर गाय आए जाए तो गाय की का दशा हुई है, वही दशा है द्रौपदी। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन एक झटका देता है द्रौपदी को, साड़ी पकड़ करके खींचता है तो सात चक्कर बेचारी नाच जाती है एक जगह पर। लेकिन अब तो भगवान कन्हैया की कहानी है ना, छाए हैं आकाश में अंबर लादे भार, अजुरे चीर से चीर थे खींचे झीठा मां। अब तो भगवान कन्हैया ने पीतांबर में साड़ियां जोड़ दिया,
दुशासन खींचने लगा। खींचत खींचत बल घटो घटो नना गज चीर। खींचते खींचते साड़ियों के ढेर लग गए। जब ढेर लग गए तो देखने वाले राजा लोग का बोले, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है, सारी बीच नारी नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, सारी ही की नारी है कि नारी की है सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की है सारी है। साड़ियों के ढेर लग गए। देखने वाले राजा लोग बोले, भाई ये कितनी बड़ी लंबी साड़ी है, ढेर लग गए, कितनी बड़ी औरत लंबी है जो आज साड़ी नहीं खुल रही। साड़ियों के अंबार लग गए हैं लेकिन साड़ी नहीं खुल पा रही। खींचते खींचते दुशासन के हाथ भुजाएं दर्द करने लगी, भुजाएं दर्द करने लगी। आखिर को परेशान हो गया और छोड़ दिया द्रौपदी को, दूर जाकर के गिरा धड़ाम से हांफने लगा, हांफने लगा। जब हांफने लगा तो मेरे बंधु कहते हैं ना, खींचत खींचत बल घटो घटो नना गज चीर। अब बदन खुले ना प्रभु दिया अखय कर दो। द्रौपदी को छोड़ करके दूर हांफ रहा है। बड़ी देर हो गई बैठे बैठे, सभा में कोई नहीं बोला। यही समय है, जहां सभा तहां बातों नाहीं वो दरबार कौन है, जहां अग्नि तहां आंचो नाहीं और जहां सभा तहां बातों नाहीं। हजार राजा बैठे लेकिन बातचीत करने वाला कोई नहीं। अंत में जब कोई नहीं तो भगवान कन्हैया आए दरबार में। जब भगवान कन्हैया आए तो पांचों पांडव ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान कन्हैया ने पूछा, भैया क्यों बैठे हो शांत सब लोग, क्या बात? पांडवों ने सारी कहानी बताया। भगवान हम लोग तो आपके सहारे थे और इस दुष्ट शकुनी मामा ने ये सारी जाल बिछाया हमारा अपमान करने के लिए, हमारे धन संपत्ति लेने के लिए। इस मामा शकुनी ने चाल चली, जुए का खेल खिलाया, उसमें हमारा राजपाल छल कपट के द्वारा सब कुछ जीत लिया। हम द्रौपदी को भी हार गए। आज मेरा अपमान करने के लिए इन दुष्टों ने ऐसी चाल चली, लेकिन आपके होते हुए हमारा बाल बांका कुछ नहीं। जहां आप हैं भगवान हैं, भगवान के होते हुए भला कौन किसकी लाज ले सकता है। भगवान कन्हैया ने भरी सभा में फैसला किया, अगर इन दुष्टों ने प्रण किया था कि द्रौपदी को नग्न करके जान पर बिठाऊंगा, तो जब अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर पाए, द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाए, तो कन्हैया भरी सभा में फैसला करता है कि आज से जो खेल खेला गया था जुए का, वो छल कपट का खेल था। आज से हारा हुआ साम्राज्य राजपाट धन दौलत में द्रौपदी, हम फिर पांडवों को वापस देते। कन्हैया का फैसला है, सब कुछ भगवान कन्हैया ने वापस कराया, सब पांडवों को मिला, द्रौपदी भी पांडवों को मिली। जब द्रौपदी पांडवों को मिली तो हाथ जोड़ के कन्हैया से बोली, भैया तुम हमारे ऊपर बड़ा एहसान किए हो, बड़ा एहसान किए हो। भगवान कन्हैया बोले, काहे का एहसान? द्रौपदी बोली, अगर तुम ना आए होते तो दुष्ट लाज हमारी ले डालते, लाज चली जाती मेरी। भगवान कन्हैया बोले, यू एहसान का है, यू तो तुम्हार ब्याज हुआ है, जो 4 इंच पट्टी साड़ी फाड़ के बांधा था ना, उसका ब्याज हुआ इतना बना, 9 लाख चीर 900 सहस 990 से 9 ज्यादा। हाँ, ये तुम्हार ब्याज वाय देन है, अभी मूलधन बाकी, अभी फिर याद क्यों, फिर आएंगे
तुम मेरी बहन हो, हम भाई हैं, भाई बहन को कभी दुखी देखना नहीं चाहता। इसी जगह पर तुम्हारी चौपाई सिद्ध होती है कि भैया भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। द्रौपदी ने भगवान पर आसरा किया, भगवान ने उनकी लाज बचाई और जाकर के फिर पांडवों के साथ में द्रौपदी अपने धाम को, घर को चली गई। इसी जगह पर आपकी चौपाई सिद्ध होती है। क्या भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? कर ही सदा तीन की रखवारी, रही सदा तीन की रखवारी, रही सदा तीन की रखवारी, जिमी बालक राखई की रक्षा कैसे करते हैं। चौपाई इसी जगह में सिद्ध हो रही है। हमने शुरुआत में चौपाई बोला था, भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। करें सदा तिनकी रखवाली और जिमी बालक राखे महाकारी। अगर भगवान की थोड़ी सी भक्ति करते हो, घर परिवार में रहते हुए जरा सी भगवान की भक्ति करते हो, भगवान का नाम स्मरण करते हो, कुछ न करो खाली नाम ले लो, तो भगवान हर समय आपकी मदद करेंगे, हर वक्त आपके साथ रहेंगे, आपका बाल बांका कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से द्रौपदी चिरहरण महाभारत का प्यारा प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। 11:20, अब आप लोग खड़े हो जाइए, आरती हो जाए समय के द्वारा, फिर अग्रिम झांकी का कार्यक्रम। जानने मुन्ने भैया लोग बहुत इकट्ठा है, आज की झांकी बड़ी मनोरंजक है, सभी लोग बैठे रहेंगे समय से बढ़िया। 12 बजे तक देखो और 12 बजे के बाद अपने प्रेम से घर में सो, थोड़ा सा समय है। जगमगे जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती भक्त करे दिन राती, आरती भक्त करे दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ी है, जगमग जगमग ज्योति जली। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शंकर नित गावे, राम कथा शंकर नित गावे। भक्त जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शंकर नित गावे, राम कथा शंकर नित गावे। भक्त जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली। कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठ राम होई चित चेता, बैठ राम होई चित चेता, वाम
भाग में जन खिलनी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। बाम भाग में जन खिलनी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। हम सब मिले कर आरती गावे, पार लगावे, प्रभु मेरी नैया पार लगावे। सरयू की धार सुहाए रही है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सरयू की धार सुहाए रही है, जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की।